पानीपत के हरी सिंह कॉलोनी में खाना बनाते समय अचानक आग लगने से एक 45 वर्षीय महिला बुरी तरह से झुलस गई। घायल अवस्था में महिला को उपचार के लिए पानीपत के सामान्य अस्पताल में लाया गया, जहां पर सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने महिला की हालत को गंभीर देखते हुए रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया। सिविल अस्पताल के डॉक्टर प्रीति के अनुसार महिला 80% आग में झुलस गई है, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घर में सिलेंडर की वजह से उसका हुआ है, सिलेंडर फट गया था उसकी वजह से थी, और उसमें 70-80% बर्न्स थे। तो अभी हमने फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट दे के उसको रेफर कर दिया है, पर हालत उसकी गंभीर है। पानीपत से जाटीवी न्यूज़ के लिए सुमित भारद्वाज।